अष्टोत्तर सब श्री श्री मनोभाई चरणों अरविंद स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परवाजिकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परवाजिकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट सच्चिदानंदमय श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप द्वारकापुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। दाई गौर प्रेमानंदे दाई गौर प्रेमानंदे दाई गौर प्रेमानंदे नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश धारणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मणिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। Yeah.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा कृष्ण बिहारी लाल की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरि गौर ब्रह्मानंद हरि हरि बोल श्री शुक उवाच पहले श्लोक से लेके श्लोक पढ़ेंगे क्वचित् जनाशाय मनो दधत् प्रजा प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान प्रबोदयन् श्रृंगरमेण चारुणा विनिर्गतो वत्सः वत्सपुरो वत्सपुरः सरोहरि तेनैव साकं पृथुकाः सहस्रशः स्निग्धाः सुशिक्षेत्र विषाणवेणवः स्वान् स्वान् सहस्रोपरि संख्ययान्वितान् वत्सान् पुरस्कृत्य विनिर्ययुर्मुदा कृष्णवत्सय संख्यातैः यूथीकृत्य स्ववत्सकान् चारयन्तो अर्भलीलाभि विजहरुः तत्र तत्र फलप्रवालस्तवक सुमनः पिच्छधातुभिः काच गुञ्जामणि स्वर्ण भूषिताप्यभूषयन् मुष्मन्तो अन्योन्यशिक्यादीन् ज्ञातानाराच्च चिक्षिपुः तत्रत्याश्च पुनर्दूरात् हसन्तश्च पुनर्दधुः यदि दूरं गतः कृष्णो वनशोभेक्षणायतम् अहं पूर्वम् इति संस्पृश्य रेभिरे केचित् वेणून् वादयन्तो ध्वान्तः शृङ्गाणि केचन केचित् भृङ्गैः प्रगायन्तः कूजन्तः कोकिलैः परे विच्छायाभिः प्रधावन्तो गच्छन्तः साधुहंसकैः बकैरुपविशन्तश्च नृत्यन्तश्च कलापिभिः विकर्षन्तः कीशबालान् आरोहन्तश्च तैर्दुमान् विकुर्वन्तश्च तैः साकं प्लवन्तश्च पलाशिषु साकं वेकैर्विलङ्घन्तः सरित् प्रस्रव संप्लुताः विहसन्तः प्रतिच्छायाः शपन्तश्च प्रतिस्वनान् इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहुरु कृतपुण्यपुञ्जाः ग्यारहवें श्लोक का अनुवाद कौन बताएगा इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या प्रभु जी इसमें कह रहे हैं ज्ञान युक्त भक्त नहीं भक्ति युक्त ज्ञानी हाँ आगे बोलिए उनका लक्ष्य क्या है इसमें सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कौन कौन कृष्ण के साथ नहीं खेल सकता सबसे पहले कह रहे ज्ञानी ज्ञानी बड़ा अभिमान होता है हमको बहुत नॉलेज है कृष्ण के साथ नहीं खेल पाओगे कमार लोग खेल लेंगे उसके साथ तुम नहीं खेल पाओगे तो
सबसे पहले पहले तो ज्ञानी को बता रहे हैं सुखदेव जी, क्या कह रहे हैं? सताम माने भक्ति युक्त ज्ञानी, तो क्यों नहीं खेल पाएगा? और वो फिर ये नहीं समझ पाते कि मतलब बैकग्राउंड में तो भगवान है, लेकिन वो बस उनको देख के ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं, ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं, बस उसी में सेटिस्फाइड हो जाते हैं। उनकी ऐसी डिजायर ही नहीं है कि वो खेले भगवान के साथ। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, तीन स्तर पर उन्नति होती है जीवों की। तो ब्रह्म, उसके बाद परमात्मा, उसके बाद भगवान। जैसे सूर्य की अनुभूति तीन रूपों में होती है, सूर्य की शक्ति, धूप, उसके बाद सूर्य गोलक, फिर उसमें सूर्य देव। तो जिसने सूर्य देव का अनुभव किया है उसने पूरा अनुभव किया है, वो सूर्य गोलक उससे होके ही गुजरा है और धूप से भी होके गुजरा है। जिसको सूर्य देव की अनुभूति है उसको तीनों का ज्ञान है। इसी तरह जिसको भगवान का ज्ञान है उसको फिर ब्रह्म का भी है, परमात्मा का भी है, क्योंकि वो रास्ता ही वही है, ये स्टेशन बीच में पड़ते हैं। लेकिन पहले स्टेशन पर कोई रुक जाए और उसके आगे की डिजायर ही ना करे तो फिर उसको उसी में सेटिस्फाई रहना पड़ता है, उसको खेलने का मन ही नहीं है, सोचता है कि बस ब्रह्म ज्योति लक्ष्य मिल गया। तो यही डिजायर करना सिखाया है प्रभुपाद ने। तो डिजायर तो करो कम से कम कि कृष्ण के साथ हमको एक दिन खेलना है, तो इसने डिजायर ही नहीं की। और फिर दास्यम गता नाम परदैवते न, भक्ति निष्ठ साधक, राइट। हाँ, वो क्यों नहीं खेल पा रहा है? गौरव बुद्धि से अपना इष्ट मानता है, गुरु की बुद्धि है। गौरव माने गुरु मानना, गौरव बुद्धि सम्मान की दृष्टि से देखना। तो आप जिसका सम्मान करते हैं उसको हराएंगे कैसे? उसको हारते हुए तो जीव गोस्वामी देख नहीं पाए, है ना? एक दिग्विजयी पंडित आया और आकर के वृंदावन में सबसे कहने लगा कि हम बैलगाड़ी पूरी भर के लाया था शास्त्रों की, हमसे शास्त्रार्थ करो। तो रूप गोस्वामी ने कहा के पास पहुंचा, रूप गोस्वामी से कहने लगा कि हम तो शास्त्रार्थ करिए। हम तो ज्ञानी नहीं है मेरे पास, हमसे शास्त्रार्थ क्या करेंगे? बोले तो लिख के दो कि ज्ञान नहीं है वापस। उनका भाई तुम जीते हमारे, बड़ा खुश दिखाता फिर रहा है रूप गोस्वामी का। जीव गोस्वामी से सहन ही नहीं हुआ, हमारे गुरु कैसे हरा सकते, पहले शिष्य से तो निपटो। वो कुछ बोले नहीं, तुमको साइन करके दे दिया, इसका अंदर तुमसे चलो जीत गए। उनकी विनम्रता है, और पहले हमसे निपटो, फिर उसको हरा दिया उन्होंने। लेकिन रूप गोस्वामी ने कहा कि तुम अब हमको अपना शक्ल मत दिखाना, अपने शिष्य से कहा, जीव गोस्वामी से, क्यों? हम वृंदावन में आए सेवा करने के लिए, ख्याति पाने के लिए, क्या हम बड़े ज्ञानी हैं? नहीं, ये सब नहीं चलेगा। उनके लिए उपदेश अमृत भी था, वाचो वेगम, सबसे पहले वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उधर उपस्थ वेगम, कि वाचो वेगम तुम्हारा बहुत है, हम बोलेंगे हम बोलेंगे। ये वाचो वेगम कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है? यहाँ नहीं, यहाँ तो क्लास चल रही है, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा, यहाँ तो पूछा जा रहा है, कौन बताएगा? यहाँ सब वाचो वेगम कंट्रोल करके बैठ जाए कि हम तो अपने शामिल पढ़ के आए। पता ही नहीं चलेगा कौन जो है वाचो वेगम कंट्रोल करके बैठा है, कौन किसको आता ही नहीं है। हाँ, तो ज्ञानी भी गया और ये साधक भी, तो केवल साधक नहीं बने रहना है, इससे प्रेरणा मिल रही है। साधक जो है गौरव बुद्धि से बचता रहेगा,
अभी तो गौरव बुद्धि से बजना ही है, लेकिन अब कब योग माया अपना प्रभाव दिखाए, कृष्ण कृपा करें। और कृपा करने के लिए क्या करना होगा? शरणागति करो, शरणागति करो तो फिर कृपा ही कृपा है। शरणागत के लिए सब कुछ है, सब पाप भर लेंगे, सब ये कर लेंगे, माया हटा लेंगे, योगक्षेम मान कर लेंगे, फिर कृपा ही कृपा दे रहे हैं, ठीक है, अपना प्रेम भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, दृढ़व्रत भजन होगा। ईशाम अंधगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन ते माम दृढ़व्रता, दृढ़व्रत भजन भी हो जाएगा तो फिर तो सब कुछ, दृढ़व्रत भजन हो गया तो फिर तो सभी कुछ मिल जाएगा, फिर तो भगवान मिल ही जाएंगे, ठीक है। अब श्लोक संख्या 13। यत् पाद पांशुर बहुजन्म कृच्छ्रतो धृतात्मभिर्योग विरप्यलभ्य स एव यद्रिक् विषयः स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्टमतो व्रजौकसाम करी नास्तिषत। बोलो प्रभु जी, यत् पाद पांशुर बहुजन्म कृच्छ्रतो, यहाँ पे उन योगियों की बात हो रही है जो अलग अलग यम नियम प्रणयम करके बहुत सालों तक अपने इंद्रियों को फाइनली कंट्रोल में लाते हैं, उसके बावजूद भी कंट्रोल में लाने के बाद भी वो कृष्ण की चरण धूलि का एक पार्टिकल भी, एक अंश भी नहीं टेस्ट कर पाते हैं। और उन्हीं श्री कृष्ण के जो वहीं उन्हीं श्री कृष्ण उन ग्वाल बालों के नयन गोचर बने हुए हैं, तो उन ग्वाल बालों का कहाँ तक वर्णन किया जाए, सौभाग्य कहाँ तक वर्णन, उनके सौभाग्य का कहाँ सौभाग्य का। दूसरा श्लोक पढ़िए, जिसको बताना है वो पढ़े पहले श्लोक। बोलो बोलो बोलो। अथ घनामाभ्य पतन महासुरा तेषां सुखक्रीण नवीक्षणां क्षमा नित्यं यदन्त यदन्तर निज जीव तेप्सुभि पीतां तेरा अप्यमरे प्रतीक्षते। प्रभु जी, जो ये नित्य नित्यम और पीतां अमृत, इन दो श्लोकों में ये बताया गया है कि जो देवता है उन्होंने अमृत अमृत पीने के बावजूद भी जो है वो अपने यदंत मतलब कि निज अपने जो जीवन निज अपने जीवन की अभिलाषा सुरक्षा के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं अगासुर के मरने की सुरक्षा के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए अगासुर की मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इसमें अघा मतलब जो अघासुर महान असुर है वो कृष्ण है, जो कृष्ण अपने ग्वाल बाल के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं उनको देख करके वो सुख का अनुभव नहीं करता, वो मतलब जेलस फील करता है कि इसने मेरे भाई और बहन को मार करके अक्षम अक्षम माने विक्षण अक्षम, देखने में असमर्थ हो रहा है, देख ही नहीं पा रहा है, ये असुर की हालत है। सलोना हाँ जान रहा है, वर्णन भी कर रहा है, सलोना कह भी रहा है, लेकिन जो है उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है वो। हाँ। सामने होते हुए भी बस ठीक। हाँ निवेदिता थर्ड बताओ। दृष्ट्वार भकान कृष्ण मखानों का सुरह कंसानुशिष्ठ सब बकीबक अनुजा अयम तू में सोदर नाश वित्तो दयम मम एना सबलम है श्री। हम दृष्ट्वा अर्भकान कृष्ण मुखा नागुसरा कंस अनुशिष्टा सब बकीबकानुजा कंस द्वारा प्रेरित होकर कंस द्वारा भेजा गया जो अघासुर था वो पूतना और बकासुर का छोटा भाई था अनुज था।
अयंतु मे सोदर नाशकृत तयो वयोर मम मैनम सबलम हनिश्चये। और वो उसकी ऐसी इच्छा थी, वो सोच रहा था कि सोदर नाशकृत कि जो मेरे भाई और बहन का इसने वध किया है, अब मैं अपने भाई बहन की तुष्टि के लिए, उनको तुष्ट करने के लिए मैं इन सबलम मतलब जो जितने ग्वाल बाल हैं, बछड़े हैं, इन सबके समेत, इन सबके साथ में इसका वध कर दूंगा। सबलम, सबलम माने बल सहित है। अब बल क्या है इसका, ये सब ग्वाल बाल गाय बछड़े ये सब। फिर नेक्स्ट 15 नंबर कौन बताएगा? हां भानु। ये क्या 15 नंबर नहीं, फिर से बोलो। इसमें तो मुझे ये है कि अगस्त ने सोचा कि जो उसके भाई बहन मरे थे तो उनकी जो आत्माएं थी उनको तिलांजलि देने के लिए अगर मैं कृष्ण के साथ साथ जो सारे ग्वाल बाल है उनको मार डालूंगा, और ये जो ग्वाल बाल कृष्ण है तो इनके जो माता पिता यानी कि जो ब्रजवासी हैं वो इनके प्राण समान हैं, तो अगर मैं इनको मार डालूंगा तो ब्रजवासी जो है वो भी मतलब ऐसा कृष्ण उनके प्राण समान, ठीक है, कृष्ण उनके प्राण समान है, तो अगर मैं इनको मार डालूंगा तो ब्रजवासी स्वयं ही मतलब ऐसा मरा हुआ फील करेंगे कि अब तो हमें प्राण ही नहीं बचा। जैसे शरीर प्राण के नाश होने पर शरीर की क्या चिंता रहती है, जो है वो तो नष्ट हो ही जाए, ठीक, प्राण निकाल लो शरीर को छोड़ दो अपने आप नष्ट हो जाए। नेक्स्ट 16 इति वस्याज गरम ब्रहुद्वपुः सायोजनायाम महाद्वीति वरम धृत्वाद्भुतं व्याद गुहाननं तदा पथि व्यशेत ग्रसनाशया तदा। इति वस्याज गरम ब्रहुद्वपुः तत्पश्चात उसने जो अघासुर था उसने अजगर का रूप धारण किया, ब्रहुद्वपु विशाल रूप धारण किया, स योजनाया महाद्रिपीवरम जैसे विशाल पर्वत होता है उसने उसका जो मुख था वो विशाल पर्वत की तरह था, उसने इसका इतना अद्भुत रूप था, धृत्वा अद्भुतम व्यात गुहाननम तदा उसने फैला लिया अपना जो उसका जो रूप था अजगर का वो रूप को उसने फैला लिया, पथि व्यशे रास्ते में उसने फैला लिया, किस लिए फैला लिया, उनको निगलने की इच्छा से, कृष्णाशया खला ऐसा खल था वो, उनको सबको निगलने की इच्छा से उसने अपना वो रूप रास्ते में फैला दिया। देखिए इतना सुंदर कृष्ण खेल रहे हैं, असुर कृष्ण को खा जाना चाहता खल, गुस्से में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं क्या करें संस्कृत में गालियां बड़ी डिसेंट। खालों में नायक वो कंस है, ये सारे खल है, वो खल नायक लीडर, नायक माने लीडर। विजन आयाम में 8 माइल तक योजन माने 8 माइल, हाँ योजन आयाम उसका विस्तार था, एक एक योजन 8 मील यानी 12 किलोमीटर। नेक्स्ट मम्मी बताएंगी उनका चश्मा नहीं है आज तो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ वो अनुवाद कर देंगी। अच्छा धरा धरोष्टो जल दो धरोष्टो लड़िया दनांतो गिरिशंग दृष्टा धान धान दान तरास्यो विदाद द्वित धान्तातरास्यो विततात्वजिव अघासुर का जो निचला होठ है
वो धरा से लगा हुआ है, पृथ्वी से लगा हुआ है, और जो ऊपरी होंठ है वो आकाश से लगा हुआ है, और जो उसका जबड़ा है वो कंकड़ाओं की तरह एकदम सख्त है, बहुत कड़ा है, और जो उनका उसका मध्य भाग है वो बिल्कुल अंधकारमय है, बिल्कुल अंधेरा है, और जो जिह्वा है, जो जीभ है, वो बिल्कुल लाल चौड़ी सड़क के समान है, और जो श्वास है, श्वास सांसें उनकी बहुत उसकी बहुत गर्म है, और जो नेत्र है वो बिल्कुल दावा नर की तरह है, अर्थात जंगल की आग की तरह है। ठीक, बहुत सही। नेक्स्ट प्रभु जी। हाँ, जिसने नहीं बताया बोलो ट्राइगर। हाँ बोलो। दृष्ट्वा तं तादृशं सर्वे मत्वा वृन्दावनश्रियं व्याप्ता जगर्तुण्डेन हृत्प्रेक्षन्ते स्म लीलया। दृष्ट्वा तं तादृशं सर्वे, जो ग्वाल बाल हैं उन्होंने जब उसको देखा तो मत्वा वृन्दावनश्रियं, उसको जो है वृंदावन की एक ऐश्वर्य माना, वृंदावन का एक सुंदरता माना, शोभा शोभा। और व्याप्ता जगर्तुण्डेन, उसको जो है क्या कहते हैं, उसको उस गुफा को अजगर की तरह, अजगर की तरह माना, गुफा को अजगर की तरह, अजगर गुफा को अजगर गुफा की तरह आजकल होता है। हित प्रेक्षन्ते स्म लीलया। ठीक, लीलया का भी मीनिंग है प्रभु जी, आपने बताया क्या है? क्योंकि भगवान को, भगवान अपनी लीला जो करते हैं उसमें वो निर्भीक रहते हैं, डरते नहीं हैं, तो वो नहीं डर रहे हैं, और निर्भयता से सारे ग्वाल बाल उसके मुंह के अंदर चले जा रहे हैं। याद है कि बकासुर को भी मारा था, तो इसलिए उनको कोई डर नहीं, अभी गए नहीं है। लेकिन निर्भीक है, डर नहीं रहे ना। अहो मित्राणी प्रभु जी, प्रभु जी, माता जी, आप बोलिए प्रभु जी। नहीं नहीं, जो लोग नहीं बोले प्रभु जी। बबीता तुम कौन सा बता रही हो? मेरे पास स्ट्रोक लिखा हुआ है। तुम सबसे डल स्टूडेंट हो। प्रभु जी, तुमसे डायलॉग भी होते हैं। कौन है? अरे क्या देखिए, सबसे डल उनको बता रहे हैं, बता नहीं। माता जी बोलिए ना। प्रभु जी बिल्कुल रिवीजन का अभी टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, हम बताते हैं। ज्योति क्यों भाई ऐसे थोड़े होना चाहिए? संजय प्रभु बोलिए। अहो मित्राणि गदत्ता सत्वं कूटा पुरास्थितं अस्मत् संघस्य व्याता व्यालतुंडाय ते नवा। तो आपस में बात कर रहे हैं कि ये जो व्यालतुंडाय, ये जो इसका जीव दिख रहा है हमको, ये कहीं अजगर का वो तो नहीं है, उनको ऐसा कुछ शक हो रहा है। आपस में बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या हम लोग को इसके अंदर जाना चाहिए, मतलब क्योंकि गर्म हवा भी आ रही है। हाँ, उनको ऐसी फीलिंग हो रही है कि फीलिंग हो रही है कि अजगर है, लेकिन क्या इसके अंदर जाना उचित रहेगा? आपस में बातचीत कर रहा है। अस्मत् संग्रसन व्याप्त, मतलब अस्मत् संग्रसन व्याप्त, अस्मत् हम सबको, संग्रसन हम सबको निकलने के लिए, तो नहीं मुंह फाड़ बैठा है। गदता कहो तो बोलो बोलो, कहीं ऐसा तो नहीं सचमुच अजगर है और हम लोग को खाने के लिए बैठा हुआ है यहाँ मुंह फाड़ के? अहो मित्राणि गदता, हे मित्रों कुछ बोलो तो, जो छोटे ग्वाल हैं वो बड़े ग्वालों से पूछ रहे हैं। सत्वम कूटम पुरा स्थितम, सत्वम कूटम, क्या ये मरा हुआ अजगर है सामने? हाँ। ऐसा डाउट कर रहे हैं कि ये कोई निश्चल प्राणी विशेष तो नहीं है। हाँ। क्या कोई मरा हुआ अजगर है? नेक्स्ट 20 प्रभु जी। कौन बचा? हम अभिषेक बोलो। नहीं बोलोगे, ये बात गलत है, सबको बताना चाहिए। हाँ बताइए, बस इसके बाद नेक्स्ट वाला तुम बताना।
सत्यमर्क करा रक्त मुतरा हनुवद घनम अधरा हनुवद्रो धनस्त प्रति छाया यारुणम। इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो अघासुर का ऊपर वाला जो होठ है वो सूर्य की धूप से रखते हुए बादल की तरह है, और जो उसका जो नीचे वाला होठ है तो जो परछाई होती है सूर्य की लाल लाल जो परछाई होती है वो उसकी तरह ऐसा प्रतीत हो रहा है नीचे वाला। ठीक, नेक्स्ट। निश्चय ही हम लोग को खाने के लिए ही बैठा हुआ है ऐसा नहीं इसमें। प्रतिस्पर्धेते प्रतिस्पर्धेते सिरिक काव्यं सव्यासे नवोदरे त्रिंग शिरा लेओ अप्ये तास्त्रे श्री विंच पश्यत। प्रभु जी यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि इसका जो ये चमड़ा है ये एक डिप्रेशन की तरह एक ऐसे ढके हुए की तरह प्रतीत हो रहा है, और इसका जो ऊपरी भाग है वो माउंटेन की पीक्स की तरह लग रहा है। इसका जो राइट और लेफ्ट जो गाल है जो है ये इसका मतलब सेविया सेविया राइट और लेफ्ट इसमें नगोदरे मतलब विशाल पर्वत की तरह पर्वत की गुफाएं लग रही हैं, और जो इसका वो है जो दांत है वो विशाल पर्वत की चोटी की तरह प्रतीत होते हैं। और तुंग श्रृंगालय तुंग श्रृंगालय वो दांत है वो दांत है। नेक्स्ट जी तुमने बता दिया ट्रांजिशन अटक जाएगी इसीलिए आश्रिताया हमें बताइए इसके बाद संजीव प्रभु बताएंगे। हाँ तैयारी से आए हैं कह रहे सबसे डल स्टूडेंट है यहाँ मार्गो अयम रसना प्रति गर्जति एषा मंत्रगतम ध्वांत वेत दप्यंतराननम। इसमें अब इसकी वो जो जीव है उसका वर्णन किया जा रहा है कि जो इसकी जो जीव है अघासुर की वो एक चौड़ी जो जीव है वो एक रास्ते की तरह है चौड़े एक रास्ते की तरह है, और फिर उसके जो अंदर के जो है वो वर्णन किया जा रहा है वो अंधकार की तरह प्रतीत होता है पूरा मुंह के अंदर जो है अंधकार वो कले वाला पोर्शन अंदर का झांक के देख रहे हैं ना उधर अंधेरा इसीलिए डॉक्टर टॉर्च जला के देखते हैं टॉर्च जला के और अंदर से गंदी स्मेल भी आ रही है दावा स्टोर खर वातुयम श्वास श्वास भवति पश्यता तदग्ध सत्व दुर्गंधो तदग्ध सत्व दुर्गंधो अपि अंतरामिष गंधवत आमिष गंधवत यानी जैसे मांस की गंध मांस इसके जो सांस की बदबू आ रही है मतलब टोटली कंफर्म हो रहे हैं कि अजगर ही है ये मतलब यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है कि अजगर ही है ये क्योंकि इसकी सांस की जो बदबू आ रही है वो इतने बड़े पर्वत जैसे तो दांत हैं तो अगर क्लोजअप लगाएगा एक एक दांत में एक मेडिकल स्टोर खाली कर देगा उनको ये लग रहा है कि यहाँ इसकी जो सांस की बदबू आ रही है ना वो बहुत गर्म है पहली बात तो और उससे दुर्गंध आ रही है जैसे मांस खड़ा हुआ मांस जो है क्योंकि गर्म है अंदर दावानल है इसका मतलब दावानल में जैसे जानवर जल जाते हैं जंगल में आग लगती बेचारे कहाँ भागते हैं ऐसे ही इसके पेट में जो दावानल है उसमें जो पशु जल रहे हैं उसकी दुर्गंध आ रही है जठर अग्नि बोला था हाँ तो फिर भी देखने का मन कर रहा है हाँ, क्योंकि बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं क्यूरियस क्या है ये आखिर है क्या चलो एक बार देख के भाग आएंगे नहीं उनके भय बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि कृष्ण खड़े थे हाँ, बस बिल्कुल नहीं उनको याद है कि बकासुर को इतना कुछ होने के बाद भी उनके भय बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि कृष्ण खड़े थे इतना कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी होगा तो कृष्ण तो है ये भी अस्मान् किमत्र ग्रसिता निविष्टान् अयम् तथा चेत्वक्वलिन् विनंशति शनादनेन नति बकार्युं षण्मुखं वीक्षन्तो सधन्तकरा
करता डनैर ययु प्रभु जी इसमें कह रहे हैं कि ये लोकसभा नहीं चल रही। अगर ये अगर हुआ भी तो भी इसका वही हाल होगा। जैसे भी बकासुर नष्ट हुआ देखो लड़ने के समय जैसे भी बकासुर का हाल हुआ अभी जैसे तुमने बोला वैसे वो लास्ट में और नीचे करते हुए उसके मुख के अंदर चले गए। नहीं ऐसे नहीं चलेंगे मुख के अंदर, एकदम से नहीं चलेंगे मुख के अंदर। ताली और नीचे करते गए प्रभु जी। बस आपको यही लास्ट टाइम याद है। आसमान की मत्र ग्रसिता निष्ठान मतलब कि अरे क्या ये सचमुच में हम लोगों को निकलने के लिए ही बैठा हुआ है। अयम तथा चे बकवत विनंचति जैसे जिस तरह से बकासुर का अंत हुआ उसी तरह से ये जो भगवान है बाल कृष्ण है इस ये इसका भी वैसे ही अंत कर देंगे जैसे बकासुर का हुआ था। कितने देर में क्षण अने नेति माने अने अने नेति कौन बताए मतलब हाँ कृष्ण के द्वारा हाँ। क्षणाद अने नेति बकारी भूषण मुखम हाँ। ये देखो ये वैली बकारी है कृष्ण है इसका कृष्ण है बकारी हाँ है ना। और फिर अरे चलो चलो ताली ताली रहते हैं चलो चलो अंदर चलो जैसे ये बकारी खड़ा हुआ है बकारी खड़ा हुआ है बकारी भूषण मुखम वीक्ष्यो हसंतः इसका मतलब क्या है कृष्ण का मुख देखते हो कंपनी है मुख कंपनी है भगवान कृष्ण का कंपनी है मुख सौम्य मुख उनका कंपनी है मुख। हाँ तो बिल्कुल पार्लियामेंट वाला सीन यार दिल्ली की जैसे लग रहा है विधानसभा लग रही है। उन्होंने जब ये ऐसा सोचा फिर उन्होंने भगवान की तरफ देखा उनके सौंदर्य मुख की तरफ देखा कमनीय मुख की तरफ देखा कि अरे ये तो है ही है फिर तो ये हमको बचा ही लेंगे। और फिर बस इतना कह के वो ताली बजा के अंदर प्रवेश कर लेंगे। एक एक श्लोक पे सबका नाम लिख दीजिए। अच्छा हमने कहा था गीता के जो इम्पोर्टेंट अच्छा श्लोक लगता है जिसको वो बताएगा और फिर ये भी बताएगा साथ में कि क्यों अच्छा लगता है। चलिए बारी बारी से मुरली श्लोक है सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। इसमें बताया कि महात्मा का लक्षण क्या होता है जो हमेशा भगवान के कीर्तन में लगा रहता है। अच्छा प्रभु जी इसलिए लगता है कि कीर्तन की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत अच्छे तरीके से सीखी है तो जो लोग भी कीर्तन में भाग ले रहे हैं वो सभी कोशिश करना चाह रहे हैं। सततम कहा है भगवान ने लेकिन जो लोग जितना भी करना चाह रहे हैं उनकी बस थोड़ी सी हेल्प हो सके इस वे में अपने को लगाना चाहते हैं कीर्तन में सपोर्ट। ये महात्मा का लक्षण है सततम कीर्तयन्तो माम। और महात्मा क्या होता है जिसकी महान में रुचि है। और महान क्या होता है जिससे महान कुछ और ना हो। जिससे महान कुछ और ना हो ये ठीक है यानी कृष्ण। जिसकी कृष्ण में जिसका कृष्ण में इंटरेस्ट है उसको कहते हैं महात्मा। और महात्मा का लक्षण है कृष्ण में उसका इंटरेस्ट है पता चल रहा है क्योंकि सततम कीर्तयन्तु इससे पता चलता है। बाकी केवल ड्रेस से नहीं कीर्तन कितना करता है। परम दृष्ट्वा निवर्तते ठीक करो इसको रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते ठीक रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ट्रांसलेशन बोलिए ट्रांसलेशन इसका कि जो
जो जीव धारी जो जीव अपने बहुत ही तपस्या से बहुत ही योग से अपने इंद्रियों पर नियंत्रण तो पा लिए हैं, लेकिन फिर भी उनको भोग विषय भोग की लालसा बनी रहती है। लेकिन अगर वो भगवान को जान ले, भगवान को पहचान ले, उनमें मन लगा ले, तो उनकी ये लालसा समाप्त हो जाएगी। विषय तो निवृत्त हो जाते हैं लेकिन लालसा बनी रहती है। और अगर कृष्ण उत्तम रस का अनुभव कर रहे हैं अर्थात कृष्ण भक्ति का, तो लालसा भी खत्म हो जाती है। ठीक। छठा अध्याय 35 श्लोक। असंशयम् महाबाहु मनोधुनिर्गृहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। प्रभु जी इसका ट्रांसलेशन है कि कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कह रहे हैं कि मन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम कांस्टेंट अभ्यास और वैराग्य से इसको भी नियंत्रण किया जा सकता है। प्रभु जी अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में इस श्लोक में लिखा है कि जो भी कृष्ण कथा सुनता रहेगा उसका मन अपने आप प्रैक्टिस से अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, और सिर्फ कृष्ण कथा सुनने से मन कंट्रोल में आ जाएगा, जो सबसे कठिन कार्य है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, कठिन कार्य भी आसानी से हो जाएगा। कृष्ण कथा ठीक, मन को तो लगाना है भक्ति में और मन वश में हो जा रहा है। फिर से एक बार श्लोक बोल दो। असंशयम् महाबाहु मनोधुनिर्गृहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। एक ही अगर बताना है जंग कभी फिर में दिव्य में योग में तत्व तथा तत्ता दें तो यार जन नहीं थी वहाँ में किस वजह से। प्रभात कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है भगवान की जन कर दिव्य है, उसको जो तत्व से जान जाए उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, वो भगवान के धाम में भगवान के साथ जाएगा। तो वही जन कर्म की गीता को समझना है तो उसके लिए भागवत प्रभु जी है जो हमें बहुत अच्छा लगता है वो श्लोक है मनवना भगवंतो मध्याचि माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसि में, क्योंकि अल्टीमेटली तो मन ही लगाना है भगवान में, लेकिन हम लोग इतने मायाबद्ध हैं और तीनों गुणों के अधीन हैं तो मन लगना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी भगवान ये बता रहे हैं कि निराश मत हो, अगर मन नहीं लग रहा है तो फिर भी स्टेप वाइज ऐसा करके देखो, ये जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ इस पर ऐसा चलने की कोशिश करो, तो फिर जब ऐसा अभ्यास करोगे तो फिर फाइनली मन लग जाएगा। तो जो हम कथा सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो ये सब इसका जो मेन पर्पस है वो है भगवान में मन लग जाए, भगवान में मन निवेशित हो जाए हमारा। तो भगवान ने इसमें बता दिया है कि मनमना भव, पहले तो ये है कि मन लगा लो, नहीं लगा सकते हो तो मुझे प्रणाम करो, ऐसा उन्होंने सब बता दिया है, मेरी पूजा करो, कम से कम मेरी आरती में आया करो, भक्त लोग करते हैं जो सीनियर डिवोटीज हैं आरती अटेंड किया करो, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। तो जब ऐसा करेंगे मैं तुम्हें सच वचन देता हूँ कि फिर तुम मेरे पास आ जाओगे। तो यही है मतलब कोशिश तो यही है भगवान का वचन है, क्योंकि मन कभी इधर उधर भटक जाता है तो हम लगातार जब भगवान चार ऑप्शन दिए भगवान ने मन मना भाव ज्यादा बढ़िया नहीं बताया था। हाँ मत भक्तो इसका एक्सप्रेशन तो इन्होंने कितना बढ़िया किया। इसने निंदिता ने हाँ कब किया सुनाओ जब सुनाओ 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 वीडियो सुनाओ सुनाओ पूरा सुनाओ मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कार कि अपने मन को मुझ पर लगाओ जो माता जी ने बोला वही मैं बोलना चाह रही थी, लेकिन इसके बाद जो है जो इनिशियली जिससे मुझे बहुत भगवत गीता से लगाव हुआ वो ये कि सर्वधर्मान परित्यजे माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, क्योंकि
मुझे तो बिल्कुल नहीं मालूम था कि भगवान कौन है, और जब थोड़ा थोड़ा मालूम होने लगा तब मुझे रियलाइज होने लगा कि कितना मैंने गलत किया है. नाउ वेयर डू आई गो? तो मैं खुद को ही नहीं माफ कर पा रही हूँ. फॉरगेट अबाउट एनीबॉडी फॉरगिविंग मी, जब मैं खुद को नहीं माफ कर पा रही. और उस समय फिर ये लगता है कि मैंने इसके भी प्रति गलत किया, इसके भी प्रति गलत किया, तो मैं कहाँ कहाँ दौड़ूंगी. तब जब बार बार इसको मैंने सर्व धर्मान परित्यज मां एकम शरणम व्रज, तो मेरे पास आओ, मेरी शरण, अहम त्वाम सर्व पापे भी मोक्षयामि, मैं तुम्हारे सारे पास्ट के पाप को सबको मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा माँ शुचा. इससे आई स्टार्टेड फीलिंग लाइट एंड कॉन्फिडेंट कि मैं किसके किसके पास जाऊंगी. बिकॉज नाउ आई रियलाइज दैट जो हमें वेदों में बताया गया है, जिस तरीके से हमें गृहस्थ जीवन भी जीना है, वो भी मैंने नहीं किया है. वेदों के अनुसार मेरा खान पान नहीं रहा है, किससे किससे मैं बोलती रहूंगी, क्या क्या बोलूंगी. एंड मैं खुद ही इतना ज्यादा शर्मिंदा हूँ, तो मैं तो खुद को कभी नहीं माफ कर सकती हूँ, लेकिन भगवान मुझे माफ करने को तैयार है. ठीक, बस इस वजह से मैं बहुत ज्यादा आकर्षित हो गई. और ये बहुत प्रभु जी जो मनमुना वाला श्लोक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. इसलिए भगवान ने दो बार इस श्लोक को बोला है, एक तो इस वाले चैप्टर 18 में बोला है और चैप्टर 9 में बोला है लास्ट बार. तो इसीलिए बोला है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, मन को तो लगाना ही है अल्टीमेटली. आप भी हमेशा कहते मन से ही पूजा करनी है, मन को ही लगाना है, इंद्रियों को नहीं, मन को लगाना है. ठीक, अब बाकी लोग जो बच गए हैं वो नेक्स्ट टाइम. हरे कृष्ण, श्लोक उच्चारण करेंगे. इत्थम मिथः अतथ्यम आताज्ञ भाषितम् श्रुत्वा विचिन्तेति अमृषामृषायते. रक्षो विदित्वा अखिलभूतहृत्स्थितः स्वानां निरोद्धुं भगवान् मनो दधे. इत्थम मिथः अतथ्यम आतज्ञ भाषितम् श्रुत्वा विचिन्तेति अमृषामृषायते. रक्षो विदित्वा अखिलभूतहृत्स्थितः स्वानां निरोद्धुं भगवान् मनो दधे. इत्थम मिथः अतथ्यम आतज्ञ भाषितम् श्रुत्वा विचिन्तेति अमृषामृषायते. रक्षो विदित्वा अखिलभूतहृत्स्थितः स्वानां निरोद्धुं भगवान् मनो दधे. इत्थम मिथः अतथ्यम अत